सबने जो उसको एमसीकेएम हेड ऑफिस भेजा है कमिश्नर का साइन चाहिए, तो वो फाइल फिजिकली वहां से हेड ऑफिस पहुंचनी चाहिए। इस चीज को समझिए, हम लोग समझते नहीं है इस चीज को, फाइल को उठा के और हर फाइल के लिए कोई एक कुरियर नहीं रखता है, जब वो जमा होती तब भी जाती है। अच्छा, वहां से मान लीजिए उसको मंत्रालय जाना है, वापस फिजिकली जाना है, वहां से समझ लीजिए दिल्ली पहुंचना है, वापस फिजिकली जाना है, ये प्रोसेस कितना टाइम लगेगा, और ये भ्रमण में, ये पिलग्रिमेज में रिकॉर्ड बंदी हो सकता है, फाइल गायब हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, ये सब बंद हो सकता है। सरकार की एफिशिएंसी फिनोमिनली बढ़ सकती है, करप्शन इंडिया का 30% कम हो सकता है। सिंपल फाइल जो भी चिट्ठी बनाते हैं वो कंप्यूटर में बनाते हैं, बट मोस्ट गवर्नमेंट ऑफिसेज यूज कंप्यूटर्स एज इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स। इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है, अगर वो चिट्ठी ट्रांसफर कर रहे इलेक्ट्रॉनिकली तो बोरीवली से मंत्रालय, मंत्रालय से दिल्ली, ये सब आधे घंटे में हो सकता है, और उसको चेंज नहीं हो सकता, अगर चेंज किया तो पकड़ा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं सिक्योरिटी नहीं, हैकिंग हो जाएगा। अरे मेरे भाई, आप समझिए, मेरी पूरी बैंकिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली चलती है, मेरा क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है। अगर ऐसे हैक हो जाता तो पूरे दुनिया की फाइनेंस खाके में जाती, डंप हो जाती। अगर वो एक शो, उसका अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊं, और ये गवर्नमेंट बैंक्स भी इसको यूज करती है इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस को। आज आपका चेक ट्रैवल नहीं करता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक इमेज ही ट्रैवल करता है। तो ये करना बड़ा सिंपल है, अगर ये होगा तो एटलीस्ट 30% करप्शन कम हो जाएगा, एफिशिएंसी फैंटास्टिक बढ़ जाएगी। लोगों ने डिमांड नहीं किया, मैं इसके लिए आपको कह रहा हूं, कभी सोचिए इसके बारे में। सरकार नहीं चलती है क्योंकि सरकार की डिजाइन में प्रॉब्लम है, और ये सरकार की डिजाइन में ठीक करने का आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, ये कानून में है। 15 साल हो गए इसके बारे में एक आवाज नहीं उठी कहीं पे कि ये करना चाहिए, ये करो। अगर ये किया तो हम सचमुच देश को बदल सकते हैं। Every public information officer should deal with the request from person seeking information and render reasonable assistance to the person seeking such information. The PIO may seek the assistance of any other officer as he or she considers necessary. PIO के पास सर, अच्छा information देनी किससे? कानून ये कहता है कि हर public authority, हर government की office तो public authority है ही है। हर office में, हर दफ्तर में एक public information officer की नियुक्ति होनी चाहिए। उसका नाम कैसे पता लगे? आपको नाम जानने की जरूरत नहीं है, डेजिग्नेशन जानने की जरूरत नहीं है, आप एड्रेस कर सकते हैं टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और जो भी पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिस जहां पे आपको लगता है इंफॉर्मेशन होने की संभावना है, संभावना पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग इंफॉर्मेशन देयर। सपोज आपको नहीं पता लगता है, आप सोचिए किसके पास होगी, वहां पे अप्लाई कर दीजिए। वो क्या वापस भेज सकता है आरटीआई? वापस नहीं दे सकता आरटीआई, आप तो बादशाह या बेगम है। उसे इसको ट्रांसफर करना होगा 5 दिन के अंदर, अगर उसी दफ्तर में किसी और से है तो उसको लेना पड़ेगा इंफॉर्मेशन उनसे, और अगर दूसरे पब्लिक अथॉरिटी में है तो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा 5 दिन के अंदर। वो आपको मना नहीं कर सकता कि जाके तुम ढूंढो, बादशाह या बेगम हो ये याद रखिए, उसी को ट्रांसफर करना है 5 दिन के अंदर। A person who desires to obtain any information under this act shall make a request writing through electronic means in English, Hindi or the official language of the area in which the application is made. RTI application आप हिंदी, अंग्रेजी या local language महाराष्ट्र में मराठी में कर सकते हैं, मगर ये नहीं कह सकते मुझे जवाब ये भाषा में मिले। जवाब भी कोई भी भाषा में हो सकता है, तीनों भाषा में से कोई भी भाषा में जवाब मिलेगा। साधारण से आप बम्बई में या महाराष्ट्र में मराठी में मिलने की संभावना अच्छी है। आप कुछ लोग मुझे कहते हैं कई दूसरे फोरम्स में कि हमको मराठी नहीं आती है तो हमको इंग्लिश में जवाब चाहिए। मैं कहता हूं भाई, अगर आपको मराठी नहीं आती है तो सीख लो, और अगर नहीं इतनी आती है तो किसी एक मराठी दोस्त को पकड़ लो जो आपको ट्रांसलेट करके दे, और अगर वो भी आपके पास एक मराठी दोस्त नहीं मिल सकता तो फिर महाराष्ट्र में रहना बेहतर है, दूसरे किसी राज्य में जाके बस जाओगे। And he did it for me, yes.
Google Translation works. Yeah, that's right. An applicant making request for information. हाँ तो ये कहते हैं दोस्त मत रखो मराठी. मैं कहता हूँ मराठी दोस्त रखो. Google दोस्त. अच्छा, an applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting information or any other personal details except those that may be necessary for contacting you. ये मुझे कभी-कभी लगता है ये provision ठीक नहीं है. बिना कारण का परेशान करने का किसी को information के लिए आप लोग क्या लगता है? कारण में है, मगर without any reason इंफॉर्मेशन मांगने का ठीक लगता है क्या आपको? नहीं नहीं डाला समझ नहीं लिया आपने. नहीं नहीं लोग बोलते हैं बिना मतलब का लोग पूछते हैं. अरे वो नहीं नहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है प्राइम मिनिस्टर की डिग्री से मतलब क्या है तुम्हारा? वो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है तुम्हारा से क्या मतलब है? वो है ना तो आप बोल रहे हैं. नहीं, मैं आपको ये बताऊं रीजंस देने की जरूरत नहीं है. आर्टिकल 91 कॉन्स्टिट्यूशन का मुझे व्यक्ति वाणी स्वतंत्र का अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. नहीं नहीं फॉर्म में तो नहीं है. आजकल अपने चीफ जस्टिस भी कहते हैं रीजन होना चाहिए. मैं नहीं अकेला कह रहा हूं, चीफ जस्टिस भी कहते हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी कहते हैं कि रीजन होना चाहिए, कमिश्नर्स कहते हैं कि बिना कारण के तुम क्यों मांगते हो, ये गलत है. दिस मीन्स उनको फंडामेंटल राइट नहीं पता, उनको संविधान नहीं पता, उन्हें कानून नहीं पता है. सूचना मेरी है, मेरी मालिकी की है. इफ इट इज माइन आई मस्ट गेट इट. आर्टिकल 19(1) है, इसके लिए मैं आपको दोहरा रहा हूं वाणी स्वातंत्र के अधिकार में, दैट इज अ फंडामेंटल राइट, फ्री स्पीच. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ मीडिया ऑल्सो कम्स अंडर आर्टिकल 91. एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, अखबारों का फ्रीडम, टीवी चैनल्स का फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, राइट? व्हाई? इट्स अ बिजनेस लाइक एनी अदर बिजनेस. अरे कोई रास्ता बनाता है, कोई कपड़ा बेचता है, कोई और कुछ काम करता है, कोई छोटे भटूरे बेचता है, ये भी एक बिजनेस है. व्हाई इज फ्रीडम ऑफ मीडिया सो इंपॉर्टेंट? Absolutely, it is the medium through which I get information. मुझे information देने का medium है media. उसके लिए उसका importance है. Right to information भी article 19(1) में आता है. ये supreme court के decisions हैं. तो पहले क्या आना चाहिए? Freedom of media by right to information. Media की importance है because it gives me information. So what should come first? My right to information or media? My right to information. जोर से बोलिए, सो के मत बोलिए. My right to information. This is the conviction we must all understand and which very few people in India understand. न मीडिया समझती है, न लोग समझते हैं, न जजेस समझते हैं. लॉजिकली अगर देखें ये तीनों एक साथ, और रिस्ट्रिक्शंस जो अगर आएंगे तो तीनों पे आने चाहिए और आएंगे. राइट टू इन्फॉर्मेशन को काफी बदनाम किए जाते हैं, लोग बोलते हैं ब्लैकमेलर है, ये है फरारा ढिकना खंडनीबाज है, और उसी वजह से अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन आना शुरू हो गया है क्योंकि हमने आरटीआई पे रिस्ट्रिक्शन पे आवाज नहीं उठाई. तो ये समझ लीजिए अगर इस पे बंधन लगेगा आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, आउटसाइड द लॉ, दूसरे अपने अधिकारों पर भी बंधन लगेगा. फ्रीडम ऑफ स्पीच विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड, फ्रीडम टू पब्लिश विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड. इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन 30 डेज. अगर ट्रांसफर है तो 5 दिन ट्रांसफर के मिलते हैं, 35 दिन में. एप्लीकेशन फी ₹10. महाराष्ट्र के लिए द सिंपलेस्ट वे ऑफ पेइंग द एप्लीकेशन फीस, यू डोंट नीड एनी फॉर्म, एनी पेन पीस ऑफ पेपर इज योर फॉर्म. उस पर आप हाथ से लिख सकते हैं, टाइपराइटर से कर सकते हैं या कंप्यूटर से कर सकते हैं. ₹10 की फी कैसे भरनी? द सिंपलेस्ट, अफकोर्स आप कैश जाके भर सकते हैं, बट द सिंपलेस्ट वे इज अदरवाइज ₹10 आप कोर्ट फी स्टैम्प लगा के चिपका देने का. उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी ₹10 की फी है, मगर उसको कोर्ट फी स्टैम्प नहीं चलता है. उसके लिए इंडियन पोस्टल ऑर्डर ₹10 का लेके उसको अटैच करना होता है एप्लीकेशन फी. ऑनलाइन भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड से या पेटीएम से आप पे कर सकते हैं. महाराष्ट्र में कोर्ट फीस स्टैम्प सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन पोस्टल ऑर्डर, फर्दर फीस ₹2 पर पेज. अगर 100 पेज की इंफॉर्मेशन आपको देनी है
तो 2 रुपए प्रति पेज वो चार्ज कर सकते हैं, 200 रुपए आपको बोलेंगे आप भरिए, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। नो फर्दर फीस इफ इन्फॉर्मेशन इज गिवन आफ्टर 30 डेज। अगर 30 दिन के ऊपर हो गया किसी गलती से, 1000 पेज की इन्फॉर्मेशन है, कोई 2000 रुपए नहीं मांग सकता, उसको मुफ्त में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। Where a request has been rejected, अच्छा, हमने ये तो सीख लिया सेक्शन 3 में कि ओनली प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट में आप इंफॉर्मेशन डिनाई कर सकते हो, उसको छोड़ के आप कुछ नहीं कह सकते हो। इफ रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड अंडर सबसेक्शन 1, द पीआर शुड कम्युनिकेट टू द पर्सन मेकिंग द रिक्वेस्ट द रीजंस फॉर सच रिजेक्शन, और वो रीजन सेक्शन 81 में ही होने चाहिए। आइदर इंफॉर्मेशन है ही नहीं जो आप मांग रहे हैं, कोई रिकॉर्ड पे नहीं है तो कह सकता है कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, या ये एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट सेक्शन 81 के कौन से कलम के और कैसे, रीजंस हाउ दैट सेक्शन अप्लाइज। द पीरियड विद इन व्हिच एन अपील अगेंस्ट सच रिजेक्शन कैन बी प्रेफर्ड, अगर आपको पीआईओ का निर्णय ठीक नहीं लगता है तो 30 दिन के अंदर आप फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं। फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी मुझे कैसे पता चलेगा, कानून कहता है कि पीआईओ को मुझे बताना पड़ेगा कि फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी कौन है। अगर पीआईओ ने जवाब ही नहीं दिया तो 30 दिन में इट्स अ डीम्ड रिजेक्शन, 30 दिन में यह माना जाता है कि रिजेक्ट हो गया बिना एनी कारण। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे फर्स्ट अपील करनी चाहिए, बट फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी मुझे पता कैसे चलेगी, अगर मुझे पता नहीं है या जवाब दिया और फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, तो सिंपल टेक्निक इज सेंड अ फर्स्ट अपील टू द फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी केयर ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उसी एड्रेस पे, उसके नीचे लिखिए कि आपकी जिम्मेवारी है मुझे इन्फॉर्मेशन देने की फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी की, अगर आपने नहीं दी है तो अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप फॉरवर्ड करिए। द पीरियड विद इन व्हिच 30 डेज के अंदर फ्रॉम रिजेक्शन, अगर रिजेक्शन आया तो 30 डेज के अंदर आपको करना है, अगर जवाब ही नहीं आया तो 30 डेज में आना चाहिए था, तो 60 डेज के अंदर आपको आरटीआई एप्लीकेशन करनी चाहिए। एंड इन्फॉर्मेशन शुड ऑनली प्रोवाइड इन द फॉर्म इन व्हिच इट इज सॉर्ट, अनलेस जो फॉर्म में आप मांगते हैं उस फॉर्म में देनी चाहिए, अनलेस बहुत ज्यादा उनको टाइम लग जाएगा तो वो फॉर्म में नहीं देंगे, वो मना नहीं कर सकते, उनको ये कहना चाहिए कि तो 1000 पेज में बिखरी हुई है इन्फॉर्मेशन, आप 1000 पेज ले जाइए या आके निरीक्षण कर लीजिए, इंस्पेक्शन कर लीजिए और तय कीजिए आपको इन्फॉर्मेशन क्या लेना है। थर्टी डे पीरियड, जस्ट टू एक्सप्लेन वंस अगेन, पीआरओ रिसीव्स आरटी एप्लीकेशन डे 1, आपने एप्लीकेशन बनाई वो डे 1 नहीं है, पीआरओ को रिसीव हुई वो डे 1 है। पीआरओ सेंस लेटर आस्किंग एडिशनल फीस, 30 डे क्लॉक स्टॉप्स, एडिशनल फीस पे 30 डे क्लॉक स्टार्ट्स, इन्फॉर्मेशन सेंट आफ्टर y डेज, x plus y less than or equal to 30 डेज, इन केस ऑफ अ ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन 35 डेज। कैलेंडर डेज आरटीआई में ओनली कैलेंडर डेज की कहानी है, वर्किंग डेज का कोई मतलब नहीं है। ट्रू ऑर फॉल्स अभी हम देख लेते हैं, मैं कितना समझा पाया हूं। इफ द इंफॉर्मेशन इज अ डिफरेंट पीआईओ द एप्लीकेशन कैन बी रिटर्न्ड, नो ओनली यू सिम टू बी बिकॉज यू आर रीडिंग इट, इट्स वेरी क्लोज, आप सबको पास में ले आए, यस और नो, नो द पीआईओ कैन नॉट रिजेक्ट द एप्लीकेशन विद अ डिफरेंट पीआईओ, he must obtain the information from him, and if it is with a different public authority, he must transfer the RTI application. Reasons have to be given for seeking information. No. Good. PIO must respond in the language the applicant wants. No. Great. If information is confidential, it will not be given. Yes or no? Yes. No. It has to be based on section 8.1 only. Nobody can say confidential. He doesn't decide. Parliament has decided exemption under 8.1. Except provisions of this law, no other excuse will do. Saying I will not give it. Process chalu hai, ye confidential hai, ye sensitive hai. Ye nahi, section 8.1 ka hame batao. Aur wo kaise apply hota hai, wo batao. NGO is eligible to seek information in RTI. Yes. Only citizens of India. अच्छा only citizens. Okay. So NGO का member कोई भी सकता है. Okay. Not as an organization. Not as an organization. Okay. Companies, organizations, colleges, YWCA, all these cannot. I mean, somebody may give you information, but legally, technically, if they refuse to, can't find that. Person's name. Person's name.
it has an individual citizen. We have in demand rupees 100 for providing 50 pages of information 40 days after receiving the RTI application. Great. 50% RTI आपको आगे जितनी मुझे आती है. एक बार वापस से कहना चाहता हूँ क्योंकि this is very important to understand. We talk of fundamental rights of citizens. Article 19(1)A is a RTI is a fundamental right of citizens under Article 19(1)A of the Constitution, which guarantees freedom of speech and expression. Now, if I have a fundamental right, can you restrict my fundamental right? The answer is no, unless it is provided in the Constitution. And Section 8(1), Article 19(2) of the Constitution talks of reasonable restrictions being placed in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence. Only on these grounds can some restrictions be placed, reasonable restrictions, that's what the Constitution says. These are captured in Section 8(1). ये जो permissions दी गई हैं Constitution में मेरे संवैधानिक अधिकार को restrict करने की, वो Section 8(1) में delineated की गई. This is Section 8(1). इसको carefully आप समझ लीजिए. हमेशा याद रखिए, default mode is मैं इस देश का मालिक हूँ, मुझे information मिलनी चाहिए, information belongs to me. But Section 8(1) authorizes the PIO not to give the information in certain cases. We'll take a look at that. Information disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the state, relation with foreign state or need to incitement of an offence. For example, RB is a public authority under the RTI. If you ask RB, ki bhai aapke RB formations kahan pe hai, aapke armaments kitne hai, that is information that would not be given to you and will be denied under Section 8(1)A. If you ask something about complicated RBI transactions, which may affect the economic interests of the state, that could be denied. Information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal, or the disclosure of which may constitute contempt of court. Based on 8(1)B, can information on sub judice matters be given? Sub judice मालूम है आपको? Matters that are in court is sub judice are being considered by court. So some dispute is being considered in court, it could be called sub judice. Now, based on 8(1)B, can sub judice matters information be given? Who said no? Who said no? Why? Court में चल रहा है, case running है. लिखा ही क्या sub judice? Parliament को sub judice word नहीं मालूम था क्या? What the law says is specifically forbidden by a court of law. So, अगर court ने आदेश दिया है कि ये information नहीं देना, उसको छोड़ के sub judice matters information has to be given. Law did not deny sub judice information. Lot of information is quite often denied saying sub judice है. उसको पूछिए भाई आप कोर्ट का ऑर्डर बताओ मेरे को. से कि ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है. Being sub judice is no bar. ये sub judice का एक बहुत बड़ा हवा हो गया है पूरे देश में. Really speaking, what the whole concept of sub judice is जो मैटर sub judice है उसका डिसीजन नहीं लिया जा सकता. Nobody can take a decision. अगर डिस्प्यूट है मेरे और आपके बीच और वो कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोई अथॉरिटी उसका डिसीजन नहीं ले सकता है. बट गिविंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन. Information the disclosure of which would cause a breach of privilege of parliament or the state legislature. What kind of information? For example, budget papers. Budget ke pehle agar aap maangiye, that would breach of privilege of parliament. Commission of Inquiry reports. The Commission of Inquiry Act says that within 6 months, the report should be placed before the floor of the legislature or parliament, depending on which is concerned. Aur uske pehle aap maangne, to wo refuse kar sakte. But ek interesting kahani aapko batao. Quite often governments, Commission of Inquiry कुछ गड़बड़ होता है तो Commission of Inquiry लगा देते हैं. Actually Commission of Inquiry Act कहता है कि 6 महीने के अंदर report देना चाहिए और 6 महीने में most report should be possible. पर अपने देश में ये एक carelessness हो गई है. बीमारी 6 महीना, 1 साल, 2 साल extension मिलते जाता है. Commissioner जो है उसको भी salary खर्चा सब चलता रहता है. 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल. नानावटी कमीशन ने अभी 17 साल के बाद रिपोर्ट दिया और नेटेड कमीशन उसका बाप था, उसने 18 साल में रिपोर्ट दिया.
18 साल तक सैलरी जाती रही, इसका मतलब समझ लिया 18 साल में क्या क्या